हेलो फ्रेंड्स, जॉब सेंड क्वेश्चन पेपर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। आज मैं आप लोगों के लिए IIT रुड़की के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। पोस्ट है जूनियर लैब असिस्टेंट Tier 1, 2017 में हुआ था और इसमें आप लोग देख सकते कि टोटल 50 क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम 90 मिनट्स दिया गया था और मैक्सिमम मार्क्स जो 50 मार्क्स का है। नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो कैंडिडेट को फिलअप करने होता है और 1 से 7 तक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आइए देखते कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है। इफ़ आई एम ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, माई ग्रैंड मदर विल हैव डैश ग्रैंड डॉटर, तो इसका आंसर बी होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, तो इसका आंसर सी, रिस्पोंडेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए टेलीफोन विल कॉस्ट ₹11 फॉर 2 मिनट्स 30 सेकेंड, वाट इज द कॉस्ट फॉर 30 मिनट 20 सेकेंड, इसका आंसर ए होगा, 14.6। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ आर्म्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4 देन मार्स विल इक्वल टू, इसका आंसर ए है, 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ स्ट्रेस इज कोडेड एज आर्ट्रेस देन पल्स विल बी कोडेड एज, इसका आंसर ए होगा, QULSE। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन 3, 2, 1, 4, 6, 5, 9, 8, 7 हाउ मैनी नंबर विल हैव द सेम पोजिशन इफ दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इसका आंसर होगा A, 1। क्वेश्चन नंबर 7 है, मीनिंग ऑफ 60% इज, तो इसका आंसर सी होगा, 3/5। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ ₹2000 इन 3 ईयर एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर एनम, तो इसका आंसर बी होगा, 240। आप लोगों की को भी ये क्वेश्चन काफ़ी आसान ही लग रहा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम अमॉन्गस्ट द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इन विच द सेट ऑफ नंबर इज मोस्ट लाइकली द सेट ऑफ नंबर गिवन बिलो, क्वेश्चन इसका आंसर बी होगा, 7, 12, 22। ये मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको खुद ही करना होगा। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फाइंड द ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, तो इसका आंसर भी होगा, लेमन एंड साइट्रस। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो इंग्लिश का है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसे हमें फिलअप करना है, दिस इज द वे, इसका आंसर होगा ए, दैट लीड टू सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 12 है, ही इज डैश यूनिवर्सिटी टीचर, ही इज बी ए यूनिवर्सिटी टीचर, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, समवन इज नोकिंग डैश द डोर, तो इसका आंसर सी होगा, एट, समवन इज नोकिंग एट द डोर। क्वेश्चन नंबर 14 है, द न्यूज डैश ब्रेथ टेकिंग, तो इसका आंसर सी होगा, द न्यूज इज ब्रेथ टेकिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है, द अपोजिट ऑफ द वर्ड लव इज, इसका आंसर बी होगा, हेट। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ यू वर्क ऑनेस्टली यू डैश गेट प्रमोशन, तो इसका आंसर सी होगा, बिल, इफ यू वर्क ऑनेस्टली गेट प्रमोशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए वर्ड हैज बीन रिटन इन 4 डिफरेंट वे आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड
फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका आंसर सी होगा स्क्रिप्चर। क्वेश्चन नंबर 18 है, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड सेंटेंस द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच इज कंसर्न विद मेकिंग ऑफ रूल। ए ट्रिब्यूनल, बी कोर्ट, सी बार, डी लेजिस्लेचर। तो इसका आंसर आप लोग खुद ही कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका आंसर सी होगा डन। क्वेश्चन नंबर बी है, चूज द करेक्ट वर्ड। इसका आंसर बी होगा पेरेंट्स, यानी जब फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो हर पेरेंट्स आर वॉचिंग मूवी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इसका आंसर सी 5 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है, रोजर फेडरर द फेमस टेनिस प्लेयर बिलोंग टू विच कंट्री। तो इसका आंसर ये होगा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर सी होगा 25 इयर्स। क्वेश्चन काफ़ी आसान आसान पूछा गया है, आप लोगों को भी काफ़ी आसानी लग रहा होगा। बाकी देखते हैं आने वाले पेपर में किस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुल फाइटिंग इज द नेशनल गेम ऑफ। इसका आंसर सी है स्पेन। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जो लोग भी इसका गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 26 है, द फर्स्ट वुमेन डॉक्टर फ्रॉम इंदौर हैज रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड एट हर होम। तो इसका आंसर बी होगा डॉक्टर भक्ति यादव। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ एन इन ए सर्टन लैंग्वेज ए इज कोडेड एज 1, बी इज कोडेड एज 2, सी इज कोडेड एज 3 एंड सो ऑन, हाउ इज BIDDIC कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो इसका आंसर ये होगा 294493। क्वेश्चन नंबर 28, एट द बैक ऑफ द न्यू करेंसी नोट ऑफ ₹500 देयर इज अ फोटो ऑफ। तो इसका आंसर ये होगा रेड फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, चूज द वर्ड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका आंसर डी होगा एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 30 है, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ अनीता सेड इज मदर वन मदर्स ओनली डॉटर इज माय मदर, हाउ इज अनीता रिलेटेड टू दैट मैन। तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ए बॉयज गोज टू क्रिकेट कोचिंग फॉन्डली इन समर वेकेशन, आफ्टर 2 मंथ्स हिज कोच कॉल हिज पेरेंट्स एंड टेल देम दैट देयर सन इज डूइंग वेल, सो ही शुड कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट ईयर, व्हाट शुड बी द डिसीजन ऑफ हिज पेरेंट्स। इसका आंसर आप लोग खुद ही कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। आगे और भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को खुद ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी ऑफ द मिड डे मील इन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 33, अर्पित वर्क इन ए मल्टी नेशनल कंपनी बट ही नाउ इंटेंडेड टू नॉट टू वर्क अंडर समवन, व्हाट शुड ही डिसाइड आफ्टर लीविंग हिज जॉब। ये सब क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था कि इसे आप लोगों का जो है डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी चेक कर सकें। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग देख सकते हैं, सडनली यू कम टू नो दैट योर सन इज इंडल्ज इन सम इलीगल एक्टिविटी, हाउ वुड यू रिएक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है,
Ashok lives in a society. He used to go to market for vegetable. Now he purchases vegetable online. What could be the reason behind this? Question number 36. You have failed twice in an examination. Your parents suggest you to change your subject, but you want to make your career in the same. What would you do in such situation? इसका आंसर भी आप लोग खुद ही बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन में ये होता है कि इसका ऑप्शन जो है कोई भी गलत नहीं होता है, ये कुछ ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होते हैं और तो कुछ कम होता है। तो जो भी आप लोग मार्क करेंगे उसके हिसाब से वो नंबर देंगे जितना वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, यू हैव बोरोड सम मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स और नाउ ही इज आस्किंग टू रिटर्न हिज मनी, बट यू डू नॉट हैव मनी दिस टाइम, व्हाट वुड यू डू। क्वेश्चन नंबर 41 है, एन एथलीट रन विथ ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द हिज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 42 है, ए रनर रन 224 मीटर इन 28 सेकेंड एंड रनर बी इन 32 सेकेंड, बाय व्हाट डिस्टेंस ए बीट बी। ये सब क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे और कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 43 एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 बेस वगैरह से रिलेटेड है। क्वेश्चन बिल्कुल ज़्यादा टफ नहीं है, जिसका बेसिक क्लियर होगा वही इस एग्ज़ाम को काफ़ी आसानी से क्लियर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 मैथ्स के क्वेश्चन है, मैथ्स या यूं भी कह सकते हैं कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कुछ सीरियल नंबर में प्रॉब्लम है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर 44 है, फिर नीचे 38 39 से शुरू कर दिया है। तो कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। आप लोग ये क्वेश्चन खुद ही वीडियो को आराम से पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट होता है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर करके बताएं।